आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेथी से बहुत ही टेस्टी फुली पूड़ी की रेसिपी। सो हेलो एवरीवन, मम्मी की रसोई हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अब सर्दियों के मौसम आ गया, सर्दियों के मौसम में मेथी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो क्यों ना बनाया जाए स्पेशली मेथी के फुली पूड़ी। बनाने में बहुत ही आसान, कम खर्चा, कम मेहनत, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई और हम इसमें डाल देंगे सरसों का ऑयल। तो अब हम इसमें डाल देंगे मेथी को। तो आप लोगों को सिंपली मेथी को लाना है, धोना है, अच्छी तरीके से धोकर आप लोगों को कट करके डाल देना है। तो ये आप लोग अपना प्रोसेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने डाल दिया है सबको। अब हम क्या करेंगे, मेथी को पका लेंगे। आप लोग ऐसे कच्चा मेथी डालेंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो ये बस पक गया है, हम इसको बंद कर देंगे गैस को और नीचे उतार लेंगे। इधर हम ले लेंगे आटा को। तो हम थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। 4 चम्मच बेसन, 4 चम्मच सूजी को डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा डालने से। स्वाद के अनुसार आप लोग इसमें डाल दीजिएगा नमक को। तो फुली पूड़ी बनाने के लिए हम बनाएंगे पहले आटा को, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्का सा मसाला को। तो 1/2 चम्मच आप लोग को डाल देना है धनिया पाउडर को, 1/2 चम्मच आप लोग को डाल देना है काली मिर्ची जीरा पाउडर को, 1/2 चम्मच आप लोग को डाल देना है लाल मिर्ची पाउडर को, या कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और हम 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर को, बिल्कुल आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सबको डालेंगे तो अलग ही फ्लेवर आएगा और हम थोड़ा पूड़ी अलग तरीके से बना रहे हैं, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर तैयार करिएगा। हल्का सा आप लोग इसमें डाल दीजिएगा अजवाइन को, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है डालने से। इसके बाद क्या करेंगे, हम सबको मिला लेंगे अच्छी तरीके से पहले। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, बस आप लोग एक बार हमारे तरीके से ज़रूर बनाकर तैयार करिएगा। 4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे ऑयल को। डाल देंगे इसमें हम लहसुन को और साथ में हरा धनिया को, ये जो लहसुन का पत्ता आता है और साथ में मिर्ची को भी डाल दीजिएगा। तो सबको डालकर मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मेथी को, जो अभी हमने बनाकर तैयार किया ना मेथी को, उसको लेकर डालेंगे। और आप लोग को आराम आराम से इसको मिलाकर सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो आई होप कि आप लोग को रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग को रेसिपी अच्छी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम इसमें डाल देंगे हल्का हल्का पानी और डालकर सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, लेकिन बनाने से पहले आप लोगों को 15 मिनट तक इसको छोड़ना है। 15 मिनट के बाद हम इसको बनाएंगे। तो चकले को आप लोग ले लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें से छोटे छोटे लोई को निकाल लेंगे। इस पूड़ी को आप लोग खा सकते हैं किसी के भी साथ, चटनी के साथ, सब्जी के साथ, रायता के साथ, दाल के साथ, जिसके साथ खाना पसंद करें खा सकते हैं, चार के साथ भी खा सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे पूड़ी। तो आप लोगों को सिंपली पूड़ी के फॉर्म में बना लेना है, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला, हल्का सा आटा लगाकर बना लीजिएगा। तो आप लोग एक बार तो कम से कम इस रेसिपी को ज़रूर तैयार करिएगा और ट्राई कर लेने के बाद आप लोग अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप लोग नीचे कमेंट में करके ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। तो हम सारे पूड़ी को बनाएंगे। तो चलिए फ्राई करने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई। जब ऑयल थोड़ा सा हीट हो जाए तो हम क्या करेंगे, डालेंगे पूड़ी को। तो हमने रिफाइन ऑयल यूज़ किया है। तो पूड़ी को डाल देंगे तो फुली पूड़ी बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। लेकिन इसमें भी होता है 2 तरीके का मेथी, एक देसला मेथी और एक हमारा होता है चलानी मेथी। तो जो चलानी मेथी होता है ना, वो थोड़ा तीखापन उसका कम होता है, और जो देसला मेथी होता है ना, तो उसका तीखापन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से, जो भी आप लोग को मेथी पसंद है उस हिसाब से आप लोग लेकर बना सकते हैं। और मेथी हर जगह मिलता है, तो आप लोग आसानी से कहीं से भी ले सकते हैं। फ्राई कर लेंगे सबको, बाकी को भी डालकर फ्राई कर लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान रेसिपी।
मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को रेसिपी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और इसको बनाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं, ज़्यादा परेशानी, खर्चा, मेहनत कुछ भी नहीं, आराम से बन जाएगा। तो ये लीजिए, हमने सारे पूड़ी को बनाकर तैयार कर लिया। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर बनाकर तैयार करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।